सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और जो जगह है दोस्तों, ये है खेकड़ा गांव। और खेकड़ा गांव में देख सकते हो तस्वीरें के सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। पियर कैप का काम भी हो चुका है दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये डेली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ में, जिसे आम जनता के लिए सन 2024 में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा दोस्तों। रात दिन इस पर काम चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि सारे पियर कैप बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। बस इन पे क्या गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गाटर लॉन्चिंग किस तरीके से की जाती है वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर है दोस्तों, तो आप लोग एंड तक देखना और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों, केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। उससे पहले देख सकते हो ये गटर्स रखे हुए हैं, देखो ये गाटर रखे हुए हैं, ये ट्रक द्वारा लाए जा रहे हैं। और आगे देखो किस तरीके से ये स्टैंड किए जा रहे हैं, किस तरीके से ऊपर गाटर लॉन्चिंग इन पियर कैप के ऊपर रखे जा रहे हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है। आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, देखो एक क्रेन मशीन इधर है, एक उधर है, और देखो ये गाटर को उठा रही है, फिर इसके ऊपर एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में रखा जाएगा इस पर पियर कैप के ऊपर। दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो, देखो आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर इस गाटर को लॉन्च किया जा रहा है, ऊपर रखा जा रहा है। तो आप लोग तस्वीरें देख लो अच्छे से, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ दोस्तों, और आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि सारा ट्रैफिक जो था वो डाइवर्जन कर दिया इन्होंने, और इसमें से देखो उधर का डाइवर्जन कर दिया। अब इधर से ही निकल रहे हैं ट्रक, वो भी हल्के हल्के से निकल रहे हैं, ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं क्योंकि रोक रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये गाटर लॉन्च किया जा रहा है, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए। देख सकते हो इसमें 6 लेन ऊपर एलिवेटेड होंगी और 6 लेन नीचे होंगी, यानी कि ग्राउंड लेवल पर दोस्तों, जो कि ग्राउंड लेवल पर 6 लेन होने वाली हैं वो तो लोकल ट्रैफिक के लिए है, और जो एलिवेटेड हिस्सा होने वाला है वो दोस्तों बस आप लोग दिल्ली से जो देहरादून जाना चाहते हैं उनके लिए होंगी ये 6 लेन एलिवेटेड पार्ट। तो देख सकते हो क्रेन मशीन किस तरीके से इस गाटर को लॉन्च कर रही है दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है, और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए केपी संत के चैनल पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग किस तरीके से ये गाटर को लॉन्च किया जा रहा है एलिवेटेड पार्ट के लिए दोस्तों। मैंने अपनी आंखों से देखो आप सभी को दृश्य दिखा रहा हूं कि किस तरीके से लॉन्च करते हैं ऊपर, आप लोग देख सकते हो। देखो तस्वीरें आप लोग देखो, सारे पिलर आप लोग पियर कैप बन चुके हैं। पियर कैप बन जाने के बाद में अब यही गाटर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का जो वर्क है वो किया जा रहा है तेजी के साथ में दोस्तों। जैसे जैसे ये गाटर लॉन्चिंग होती चली जा रही है, वैसे वैसे इस पर फ्लोरिंग का काम करते चले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये ब्राउन फील्ड एरिया है दोस्तों, और ब्राउन फील्ड एरिया में काम करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्पेस कम होता है और ट्रैफिक को भी इनको निकालना होता है, तो इसी वजह से इसमें ग्राउंड फील्ड एरिया में टाइम लगता है ज़्यादा। और ग्रीन फील्ड एरिया में तो आपको पता ही है सारा खुला खुला होता है, बस उसमें क्या करना है, बस मिट्टी डालनी है और वो करते जाना, लेवल करते चले जाना, वो बनता चला जाता है। तो उसमें काम कम टाइम कम लगता है ग्रीन फील्ड एरिया में, लेकिन ब्राउन फील्ड एरिया में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर लगा देख लो आप लोग किस तरीके से काम किया जा रहा है, गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों। देख सकते हो ये सारे में ही गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है। गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में ये जितने भी गाटर इन्होंने रखे हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से कनेक्ट किए जाएंगे, फिर उनके बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों, सेटिंग लगाई जाएगी फ्लोरिंग की, जैसे कि आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। और अभी आप लोगों को बता दूं कि लेफ्ट हैंड पर तो ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, और जो बीच की
डिवाइडर है वो बीच का डिवाइडर भी बनाया जाएगा, दोनों साइड में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा दोस्तों। जो भी बनाया भी जा रहा है तो आप लोगों को वो आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो ये गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है। अब ये जितने भी ये गाटर रखे गए हैं ऊपर, ये इनको जोड़ने का काम किया जाएगा। देखो वो सेटिंग लगा रहे हैं, ये सरियाओं का जाल बना दिया है ना, देखो ये। अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, कंक्रीट भर के ये बिल्कुल मजबूत कर दिए जाएंगे, एक दूसरे से जोड़ दिए जाएंगे दोस्तों, ताकि इनकी गिरने की संभावना ना के बराबर हो जाएगा। इस देख सकते हो कि किस तरीके से ये बीच का भी ये जोड़ा जा रहा है, देखो जोड़ा जा रहा है ना। और ये देखो ये भी इसमें सेटिंग लगा कर जोड़ दिया है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। तो यही वर्क चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, और इस पर देखो सेटिंग लगा दी है, यानी कि फ्लोर किया जाएगा। जैसे कि हम अपने मकानों में छत डालते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर फ्लोरिंग किया जाता है सेलिब्रेटेड पार्ट का, जो इस पर हो भी चुका है। देखो इस पर भी फ्लोरिंग का काम हो गया, इस पर भी हो गया, इस हिस्से पर भी हो चुका है, इधर भी हो चुका है। तो ये जैसे जैसे ये फ्लोरिंग का काम होता जा रहा है, गाटर लॉन्चिंग होती जा रही है, वैसे वैसे ये आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर कितना घना एरिया है, और घना एरिया होने की वजह से ही यहाँ पर टाइम कुछ ज़्यादा ही लगता है दोस्तों। और जो आपको बता दूँ, देखो बीच का डिवाइडर ये बनाया जा रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये बीच का डिवाइडर बनाया जा रहा है, और ये मेरे लेफ्ट हैंड पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, जो कि वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बताओ कि केपी संत द्वारा ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों को। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हो ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है, और बीच का जो डिवाइडर है वो भी बनाया जा रहा है दोस्तों। और इस पर गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में फ्लोरिंग का काम भी किया जा रहा है दोस्तों, गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। तो अभी तो यही वर्क चल रहा है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दोस्तों, और ये पांच राज्यों से होकर गुजरेगा दोस्तों। पहला दिल्ली हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा आप लोगों को बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर होते हुए, और ये एंड में उत्तराखंड के देहरादून में जाके एंड हो जाए। तो यहाँ तक ये फ्लोरिंग का काम हो चुका है, मतलब गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है। इधर के ये देखो दो पिलर बचे हुए, दो तीन पिलर बचे हुए हैं दोस्तों, जिनका पियर कैप बनाया जाना है दोस्तों। ये तीन पिलर पियर कैप के लिए बचे हुए हैं, और आगे के देखो पियर कैप का काम हो रहा है दोस्तों, जो कि पियर कैप बन चुके हैं, उनकी सेटरिंग लगी हुई है। इसमें सारे में देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, देखो ये सेटिंग लगी हुई है ना, भर दिया है। अभी एक पिलर ये बचा हुआ है, उसके बाद में फिर ये पिलर पे भी देखो सेटिंग लगी हुई है, इस पर भी ये पियर कैप का काम कर दिया है, फाइनल हो चुका है। देखो ये भी पिलर अभी बचे हुए हैं, तो कुछ पिलर बचे हुए हैं, कुछ पे काम चल रहा है, पियर कैप का काम किया जा रहा है, गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। तो यही वर्क चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दोस्तों। और आप लोग बता सकते हैं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है, और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो। कैफी से देखो सेटिंग लगा रहे हैं ना ये पियर कैप के लिए, तो ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा, पियर कैप बनाते चले जाएंगे। और आप लोगों को अगले हफ्ते से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ग्रीन फील्ड एरिया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, कि इस पर क्या क्या काम वर्क किया जा रहा है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, वो सब आप सभी को अगले वीक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ग्रीन फील्ड एरिया का व्यू जो कि बागपत से स्टार्ट होगा, बागपत, बड़ौत, शामली, और वो सारा आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों, सहारनपुर तक का व्यू आप लोगों को। तो अगले वीक में आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। देखो ये सेटिंग लगाते हैं ना, जो पिलर स्टील का खड़े करते हैं, देखो ये वाले ये रखे हुए हैं ना, लोहे के स्टील के, लोहे के पिलर यही स्टैंड किए जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि वो पीछे रखा हुआ था उसी तरीके से। देखो इसके ऊपर ये पिलर रखा जाएगा, फिर इस पर रखा जाएगा, बीच में ये ट्रैफिक के लिए जगह दी जाएगी दोस्तों। तो जैसे कि आगे रखे हुए हैं ना, देखो ये रखे हैं आगे जो पियर कैप बनाया है, इसी तरीके से इधर भी रखे जाएंगे। तो सेटिंग आप लोग देख लो कि किस तरीके से इनकी सेटिंग बिठाई जाती है पियर कैप बनाने के लिए दोस्तों। सारा इसमें लोहे के ये पियर हैं, देखो दो पियर इधर हैं, दो उधर हैं, जो लोहे के हैं स्टैंड कर रहे हैं उनको, फिर इनके ऊपर सेटिंग लगाई जाएगी, सेटिंग लगा के इसमें कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों, जैसे कि ये मशीन लग रही है। देखो सारा वर्क
इसी तरीके से किया जा रहा है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। दोस्तों ये 13,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। दोस्तों 210 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों, जो कि हमारे दिल्ली के अक्षरधाम टेंपल से स्टार्ट होता है और ये देहरादून जाके इसका एंड हो जाएगा दोस्तों, जिसमें से 12 किलोमीटर का रूट दोस्तों ये राजाजी नेशनल पार्क के अंदर से जा रहा है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा नेशनल पार्क है देहरादून का, उसमें से 12 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों। अब बिल्कुल साइलेंट एक्सप्रेसवे होने वाला है ताकि जानवरों को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, और जानवरों को देख भी नहीं सकते, तो उसमें ऐसा ही कुछ सिस्टम लगाया जाएगा दोस्तों, और नीचे से जानवरों के लिए रास्ता दिया जाएगा ताकि वो इधर से उधर घूम फिर सकें दोस्तों, और उनके लिए पानी की भी सुविधा की जा रही है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये सेटरिंग बिठाई जा रही है किसके लिए, पियर कैप बनाने के लिए। तो यही लोहे के ये जो गाटर रखे हुए हैं वो स्टैंड किए जाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो सेटरिंग लगा के और कंक्रीट भर दिया जाएगा, और देख सकते हो यहाँ पर ये पियर कैप बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो गया, अब इनकी सेटरिंग को उतारने का काम किया जा रहा है दोस्तों। इस पर तो सेटरिंग उतार ली गई है, और देख सकते हो आगे ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे देखने के लिए मिलेगा, उससे पहले देख सकते हो ये रैंप आ चुका है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का दोस्तों। देखो ये रैंप बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और वो सामने चमक रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, जहाँ पर ये इसका एंड हो जाता है एलिवेटेड पार्ट का दोस्तों। ये 38 किलोमीटर का एलिवेटेड रूट है दोस्तों हमारे दिल्ली के अंदर दोस्तों, एनसीआर में। तो यहाँ से ये नीचे से होकर गुजरेगा, ये ईस्टर्न पेरिफेरल के नीचे से गुजरेगा दोस्तों एक्सप्रेस वे। तस्वीरें देख सकते हो, ये सारा बनके कंप्लीट हो चुका है, ये रैंप बिल्कुल बनके कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये सामने आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये बागपत बॉर्डर है दोस्तों यहाँ पे, और ये इसका एंड हो जाता है ये ईस्टर्न पेरिफेरल पे आके, जिसे बोलते हैं ईपीई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका एंड हो जाता है, तो हम यहाँ से रैंप साइड आ जाते हैं, और इस पर ईस्टर्न पेरिफेरल पर चढ़ के हम अपने प्रस्थान करेंगे, कहाँ के लिए, अपने घर के लिए, यानी कि हम रहते हैं दोस्तों गाजियाबाद मेन सिटी में दोस्तों। तो आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या नहीं लगी, आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के।